भीड़ बंदर, तुमने मेरा कानून तोड़ा है, अब मेरा क्रोध चखना होगा। स्वाद मीठा है, ये लो अब तुम चखो। तमाशा क्या देख रहे हो, पकड़ो उसे। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात पर ला कर रहूंगी। तुम तो सुस्त हो। जादुई लट्टू का प्रयोग करो। हमला करो। जितने बड़े होगे उतने जोर से गिरोगे। कोई आम बंदर मत समझना मुझे। वही जाओ जहां पर तुम जचते हो। स्वर्ग की सेना को हराने के बाद मगन ऐसा हो ना सका। रोक दिया उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के बाद संधुकों पांच तत्वों के पहाड़ के नीचे बंदी बना लिया गया और वो 500 सालों तक वहीं रहे। ये सत्य है, महान संत तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हें ये चाहिए, तुम रख सकते हो और शायद एक दिन वो वापस आ जाए। अंधेरा हो रहा है, हमें वापस रास्ते की तरफ चलना चाहिए। सही कहा, अंधेरा हो रहा है। जल्दी करो, सूरज ढलने से पहले हमें पहुंचना होगा। बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मैंने यहाँ कुछ देखा। तुम ठीक तो हो? एक छोटी सी ठोकर थी बस। जल्दी करो, सबको सावधान कर दो, जल्दी करो। होड़ी के पीछे छिप जाओ। यहाँ आओ बच्चे, बहुत प्यारा। ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। Oh!
महान किंग, एक महान वानर राजा जो स्वर्ग के चार देवताओं से लड़े। मैं इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी बंदर। कभी मैं नहीं सकता। हे, तुम मेरा खेल खराब कर रहे हो। कौन बच्चे? कहाँ गए सब? वापस आओ। हे, तुम लोग से। गुरुजी आप? यो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भीख मांग रहा हूँ, भीख दीजिए। भिक्षा के लिए धन्यवाद। यो, उम्मीद है तुम बड़े होके अच्छे संत बनोगे। बनोगे ना, तब तुम्हें दूसरे आम लोगों की तरह रहने की जरूरत नहीं होगी। मुझे कुछ पूछना है आपसे। एक संत के रूप में हम पेट भरने के लिए भटकते रहते हैं, ये संसार के दूसरे लोगों से अलग कैसे हुआ? ये बिल्कुल अलग है। भिक्षा मांगना तो एक महान संत बनने की शुरुआत है। वेदों का पढ़ना, ध्यान लगाना, मंत्रों का उच्चारण। ज्यादा की इच्छा मत करो, तभी अपने दिल में शांति पाओगे। जरा मेरी तरफ देखो, क्या मैं तुम्हें ठीक नहीं लग रहा? मगर दैत्य सेना हमला करती रहती है, वो राक्षस तो मंत्र पढ़ने पर भी नहीं डरते। तो इसके लिए तुम क्या करोगे बेटा? मैं कुंग फू सीखूंगा और दैत्यों को मारूंगा। इस तरह? सुनो लियो, संसार को बचाने के लिए तुम्हें योद्धा होने की जरूरत नहीं। ध्यान लगाकर मंत्रों का उच्चारण करो और एक महान संत बनकर देश और समाज की रक्षा करो। मत भूलो कि धीरे चलने वाले कछुए ने ही दौड़ जीती थी। याद रखो, सब कुछ नश्वर है, जीवन तुम्हारी इच्छाओं का भ्रम है। लड़ने में जल्दबाजी मत करो, इसकी जगह तुम मंत्रों को पढ़ो एक अच्छे संत की तरह। गलत जवाब, स्मार्ट। इसे सिखाना आसान नहीं, लेकिन इसकी काबिलियत से एक दिन महान संत बनाए। ये देखो मैं। अपनी जान बचाओ। लियो, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? सबसे पहले अपनी जान बचाओ। गुरुजी जल्दी कीजिए। भागो, भागो। जल्दी आइए गुरुजी। लियो, लियो, रुको तो। अरे ओ,
Ah!
ये बंदर कहाँ से आया? तुम लोग दावत में आए हो, पकड़ो उसे। जाने के लिए मैं यहां से चला। मैं आजाद हूँ। पांच सौ साल तक मुझे कैद करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला, लेकिन एक बात मत भूलना, मैं महान संत हूँ। हाँ? महान संत? हाँ। कौन है वहाँ? बाहर निकलो। लड़ना चाहते हो मुझसे? तुम तो खुद को भी नहीं संभाल सकते। तुम क्या सचमुच सुंगवू कोंग हो, वो महान संत? मुझे नहीं मालूम हूँ क्या, हो सकता है। क्या ये वही महान मंकी किंग है? कोई महान मंकी नहीं है, बस एक साधारण बंदर फटे पजामे में है। ओ, तुम्हारे मतलब इस तरफ जाना है? धन्यवाद श्रीमान जी। Thank you.
डाकर। क्या कर रहे हो? ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ, लगता है कुछ भूल गया। एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई शक्ति का डंडा है? और क्या ये बात सही है कि तुम उसको तिनके के बराबर छोटा भी कर सकते हो? क्या ये बात सही है? हाँ, मुझे पता है, आपने उसे कान में छुपा रखा है। मुझे देखने दो, क्या वो उसके अंदर है? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ। मुंह बंद करोगे या नहीं? कितना बोलते हो, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है सर फट जाएगा मेरा। ज्यादा मुंह मत चलाओ, समझे? ठीक है, पर क्या एक भी शब्द मुंह से नहीं निकालना चाहिए, इतना सब नहीं। ठीक है, तो फिर मैं आपसे कब सवाल कर सकता हूँ? क्या बात है, ये आपने कैसे किया? क्या आपके हाथों में चोट लगी? क्या आप मुझे भी ये सिखा सकते हैं? आप अपनी लड़ाइयों के बारे में बताओ ना। तो सुनो, एक लड़का था जो मुझे अकेला नहीं छोड़ता था। क्या किया उसने? क्या नहीं किया, उसका मुंह हमेशा चलता रहता था। आपको ये शक्तियाँ कहाँ से मिली? एक बार जादुई केले खा लिए थे। वहीं रुक जाओ मंकी किंग, मैं पहाड़ी दानव, मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि तुम भागो तो मैं तुम्हें मसल दूँ। तुम ना रहने दो, पत्थरों के ढेर बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। मुझे चैन से जीने दो, तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। तुमने भले ही जंजीरें तोड़ दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुक्त हो गए। अब तुम सिर्फ एक साधारण बदबूदार बंदर हो। मैं तुम्हें मसल दूंगा। कहाँ भाग रहे हो कायल? ले पत्थर, एक लाख मेरी ओर से। मुझे जिंदा इसी मंत्र ने किया। ये दिन सच में बहुत खराब जा रहा है। तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम यही रुको। तुम उतने ही भारी हो जितने दिखते हो। देखो,
मुझे लगा पहाड़ी दानों ने उस बंदर को पाताल पहुंचा दिया होगा। तुम लोग शुक्र मनाओ कि मैंने अभी तक ड्रैगन को नहीं भेजा। मेरे आका, ये हमारी गलती नहीं, वो साधारण बंदर नहीं, मंकी किंग है। क्योंकि मैं दयालु हूँ इसलिए तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन इस बार उस बंदर का काम तमाम कर दो। मंकी किंग, तुम भी यही हो? मुझे लगा हम बिछड़ गए। हाँ, मुझे याद है, आखिरी बार हम पहाड़ी पर दानव से लड़ रहे थे और फिर अचानक से मैं गिर गया। मुझे लगता है कि मैं पानी में गिरा। मंकी किंग ने हमें बचाया ना, सोचने वाली बात है, उसके पास सचमुच शक्तियाँ हैं। मंकी किंग, मैं कहना चाहता था हमें बचाने के लिए शुक्रिया। नहीं, ये मैं नहीं खा सकता, मैं शाकाहारी हूँ। सच में? हाँ, क्योंकि दादाजी संत हैं तो हम मांस नहीं खाते। उनका नाम है फार्मिंग और मेरा नाम जियांग। अगर ऐसे परिवार से हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब पहाड़ी दैत्यों के कारण हुआ, उन्होंने बच्चों का अपहरण किया तो फिर हम वहाँ से भाग आए। वो फिर किसी तरह यहाँ तक पहुँच गए और अब हम खो गए। परेशान क्या, अभी हमें डरने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम हमारी रक्षा के लिए हो। तुमसे मुझे बचाने के लिए कौन आएगा? तुम एक बार इस पहाड़ी से निकलने दो, पर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते चल। तो तुम मुझे सिखाओगे कैसे? ध्यान से, तुम गिर जाओगी, मैं आता हूँ। मंकी किंग, वही रुको, यही से स्वाद आ रहा है मुझे। तो तुम्हें सुशी पसंद है? मंकी किंग, मैंने वहां कुछ देखा। मुझे चैन से जीने दो।
स्वाद कम है, थोड़ा नमक डालो। मैं साबित करूंगा कि ये महान महान कृष्ण ही सिर्फ एक फेकू है। लो मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ कि इसका भरता कैसे बनाते हैं। मजा आएगा। तुमसे खाना उसमें नमक डाल कर ले आओ। तुम बदबूदार पिल्लू, तुम्हारी वजह से मैं पहली बार यहाँ नीचे आकर टकराया और इस शरीर में अटक गया। 500 सालों से ये थुथना लगाए घूम रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारे पर काफी जच भी रहा है। सच क्या तुम डर गए हो, इसलिए मुझसे डर के भाग रहे हो? वो नहीं सुनेंगे। अब वो आपस बताना, क्या तुम्हें माफ किया? ओ वाह, तुम सचमुच डर गए उनसे? नहीं मैं नहीं, मैंने उसे शुरुआती बढ़ा दी निष्पक्ष होने के लिए, समझे? वो बहुत दूर गए, मुझे लगता नहीं कि तुम उन्हें ढूंढ पाओगे। क्या? बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है मैं बहुत बड़ी सेना का सेनापति रहा हूँ और मैं किसी भी चीज में बदल सकता हूँ, और इस नाक के सहारे मैं उस बंदर की बदबू मीलों से सूंघ सकता हूँ। वो मुझसे नहीं बच सकता, बिल्कुल नहीं। सच तो देखो, मैं अपने आप को तेंदुआ बनाकर उसे धर दबोचूंगा। सच में मैं तेंदुआ हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो चलते हैं, ढूंढते हैं उन्हें। इस तरफ। रुक जाओ, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। मुझे कुछ महसूस हुआ। हे मंकी गैंग, वो उस तरफ है, तुमने ढूंढ लिया, वो उधर है। महान प्रभु को ही चुके थे, पर हमारा दोस्त सुअर तुम्हें चुनौती देना चाहता है। हाँ? ये अजीब है, अभी तो वो यही था। ऐसा लगता है वो तुम्हें जानता था। क्या वो तुम्हारा दोस्त था? मंकी किंग, क्या वो सच में बुद्धा है या वो नाटक कर रहा है? क्योंकि वो देख रहे तो मैं बताता हूँ, सुअर लगता है। मुझे लग रहा है वो चीजें बहुत जल्दी सीखता है। मैं मानता हूँ वो मजेदार था, वो रूप बदल लेता है। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, सांस छोड़ तो ये फुस हो जाता है। ये रहे तुम, क्या तुम हमारे पीछे पीछे आ रहे थे? मुझे लगा तुम भाग गए। मैं नाक से उठा के पटकू क्या? ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। नहीं, ये तो बड़ा है। बहुत मजा आया फिर से गलत। ये बहुत अच्छा था, फिर से करो। दोस्तों उधर देखो। हट जाओ वहां से। मैं अपनी जगह से हिलना मत। कहाँ ना हिलो मत।
तुमने कर दिखाया। तुमने उसे डरा के भगा दिया। तुम जानते भी हो वो एक व्हाइट ड्रैगन था। उसे देखने के बाद कोई भी बचता नहीं है। अरे ये क्या, तुम अचानक हमारा ख्याल क्यों रखने लगे? ये सब तुम्हारी गलती है। अभी बताता हूँ ड्रैगन के सामने थुल थुल करके क्या हुआ। अरे कान मत की, चलो मैं हो जाऊंगी। इसे जाने दो, ये मेरी गलती थी। मैं बस देखना चाहता हूँ ये पक्षी में बदलेगा या नहीं। बन सकता तो तुमने मुझे पकड़ रखा है तो मैं कैसे बचाऊं? वाह, ड्रैगन भी उड़ सकते हैं। ऐसा कहते हैं आजादी बादलों के बीच उड़ान भर पाना। जरा देखो तो, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ऐसा क्या, मैं तो दिन भर उड़ता रहता था। तुम्हें बताऊं, अगर मैं उड़ सकता तो पहाड़ के उस पार जाता, एक छोटा ड्रैगन लेकर आता अपने गुरुजी के लिए। शायद किसी दिन जब तुम बहादुर और ताकतवर होगे तो ढूंढ लोगे, तब जितना चाहे उतना दूर जा सकते हो। हाँ, तुम सच कह रहे हो। क्या ऐसा सच में हो सकता है? शायद, मुझे परेशान ना करो तो। रुको, इसका मतलब तुम पहले सब कर चुके हो। तुम ड्रैगन की सवारी की, तुमने उन्हें वश में कैसे किया? तुम मुझे सिखाओगे? आराम से, एक बार में एक सवाल। एक सवाल और, क्या दुनिया में बहुत सारे ड्रैगन है? जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ वहाँ ड्रैगन मिलेगा। As a mineral that's lost in the sea, wondering about his destiny. Like a baby bird outside its nest, dreams about what comes next. As a pebble is thrown into a stream, is sinking sand all there is to be, awaiting rescue from above to lift me up with your love. Soaring like eagles, shining like rainbows. We're running like the panther, jumping like a whale, leaping like a lion, with the brave heart you've given me. अब जाकर मेरा पेट भरेगा। अरे अगर हम भाग्यशाली हुए तो और रसोई भी होगी और बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। मांकी तुम क्या कर रहे हो वहाँ? जल्दी आओ। जल्दी कहिए तुमको हरा ना दे। तुम अपना मुंह बंद रखो।
एक बात पूछूं, तुम अपने दोस्तों के साथ कहाँ जा रहे हो? हम अपने घर जा रहे हैं। इतनी प्यारी बच्ची है। हेलो। जल्दी से इनके लिए चाय लेकर आइए। सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। शहर के सारे रास्ते बंद हैं, तो तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते। अरे वो गाजर नहीं मिर्ची थी। ये तो राक्षस है, ये तो देखते हैं। तुम भी डरो। अरे चिंता मत करो, ये लोग मॉन्स्टर्स नहीं हैं। लेकिन इंसान भी नहीं है। इसका मतलब वो मॉन्स्टर नहीं हो जाते। मुझे पता है ये बंदर ही राक्षस है। आप परेशान न होए, कुछ नहीं करेंगे हम। सिर्फ आज रात रुकेंगे, सुबह चले जाएंगे। वादा करते हो? हाँ। फिर ठीक है, मेरे पीछे आओ। शुक्रिया। चाय लोगे? कोई बात नहीं। तुम अपनी औकात में हो, समझे? अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक के मांग लेना, ठीक है? हाँ? क्यों नहीं। मेरे जाने का समय हो गया, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। मैं चुप कराता हूँ। देखो, मेरे पास मेरा अपना महान संत है। तुम्हें अच्छा लगा? इसके अलावा तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से नहीं। सोने का वक्त हो गया। गधा कहीं का। बहुत सन्नाटा है, अजीब सा लग रहा है मुझे। लगता है अब और नहीं सो पाऊंगा मैं। मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, हालांकि तुम खर्राटे बहुत लेते हो। सही कहा। हे सुन वुकोंग, जब मैं गुरुजी से मिलूंगा और हम इस बच्ची को उसके घर छोड़ेंगे तो तुम कहाँ जाओगे? हुआको हिल। हुआको पे? मुझे पता है, कहानियों में सुना है मैंने। और कहानी कहती है कि ये हरा भरा और खूबसूरत है। पेड़ पौधे, फल और फूल, वो एक जादुई जगह है। और कहते हैं कि सब वहाँ इतने बड़े होते हैं। लोग जो कहते हैं वो सब मान लेते हो? सच कहूँ तो वो तुम्हारे सर जितने बड़े होते हैं। हाँ, इससे भी बड़े होते हैं। तो क्या वो दूर है? तुम वहाँ जाओगे कैसे? हजारों मील पैदल चलकर। बहुत समय लगेगा, लेकिन तुम जैसे महान योद्धा के लिए इतना दूर नहीं है। हाँ, मैं एक छलांग लगाऊंगा और झट से पहले पहुँच जाया करता था। सुन मुकोंग, तुम चिंता मत करो, तुम एक दिन घर जरूर पहुँचोगे। बस तुम पूरी कोशिश करते रहना और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तुम्हारी जादुई शक्तियां तुम्हें लौटा दें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, पर उससे कुछ नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो ये सब चीजें कैसे काम करती हैं। मैं हमेशा से काबिल था, लेकिन अब इन जंजीरों की वजह से। किसी काम का नहीं बचा। Thank you.
चोरी करना चाहते थे है ना? कुछ नहीं मिलेगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। जल्दी करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। ये मजाक करने का समय नहीं है, मेरे साथ चलो। तुम्हें पता है मुझे ये बहुत ही अजीब सा लगता है, भला हमें बदलना जरूरी क्यों था? हाँ, इस काम को करने में बहुत मेहनत लगती है, मुझे परेशानी होती है, ये रूप मुझे पसंद नहीं। तुम बोलते क्यों नहीं? हाँ, अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं उन चारों को कच्चा खा जाती। फिर से भाग कर कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम वहाँ भी नहीं जा सकते, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। सुनो, अगर मेरे लिए कर रहे हो तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा, वरना देव हमें सजा देंगे। तुम्हें क्या हो गया? तुम थे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वाह, मुझे मालूम था यहाँ दाल में कुछ काला जरूर है।大家तुम्हारे चेहरे के ऊपर मुस्कान बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जाओ भाई से मुझे गाने लगा आएगी, लेकिन इस जगह को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। यहाँ कुछ खिड़कियाँ बना देता हूँ, फिर अच्छे से हवा आएगी। तो कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो क्या?
तुम्हारा संत एक अच्छा तैराकी होगा, मगर सुना है बंदर को पानी पसंद नहीं। किसी ने तुम्हें बताया नहीं क्या कि काटना अच्छी बात नहीं होती? प्यारे मंकी किंग, काम के समय आराम कर रहे हो। नहीं, मुझे अपने रास्ते जाने दो। तुम अपना ध्यान अच्छे से रख सकते हो। नहीं नहीं रख सकता, तुम्हें पता है ना? तुम्हें हीरो बनने का शौक है तो जवाब बनो ना। तुम लोगों को बचाने का मैंने ठेका नहीं लिया। लेकिन तुम एक रक्षक हो, सब कहते हैं कि ठीक है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। नहीं रुको, मेरी बात सुनो, मत जाओ। सर्वोकांत देखो, उसे रोक लो, वो खो जाएगा। मार मार के कचूमर बना दिया कमबख्त ने। जल्दी चलो वरना बच्चों की बलि नहीं देख पाएंगे। उस मंकी की तो हाँ।
परेशानी खड़ी करते हैं और कुछ नहीं। मांकी के, देखो मेरे पास मेरा खुद का महान शक्ति हो। जब तक ये तुम्हारे साथ है तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मंकी, मंकी सुन रहे हो? अब बाहर भी आ जाओ। क्या एक महान संत को ऐसा करना चाहिए? नहीं, मुझे मालूम है तुम दुखी हो। बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। मेरे नए गुरु सोंगवोकांग, मंकी का राजा जो कभी नहीं हारता, तुम अमर हो। तुम हमें बचा सकते हो, लेकिन मजेदार बात तो ये है कि तुम बादलों में छलांग भी लगा सकते हो। सुनो दोस्त, बच्चों को बचाने में मेरा साथ दोगे? आज ग्रहण लगने से पहले हम अपनी मेहनत के फल का स्वाद चखेंगे। मजे करो। हम चाहते हैं अमर होना। अमर होना। सौ बच्चों की शुद्ध आत्माओं की शक्तियों को निचोड़ के अनंत जीवन की मेरी खोज अब समाप्त होने वाली है। मैं अजय हो जाऊंगा जिसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। मियो, तुम ठीक तो हो ना? गुरुजी, आप ढूंढने के लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दिया था। जब हम यहाँ से जाएंगे तो तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अच्छे बच्चे बनोगे। चिंता मत करिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सब कुछ खाऊंगा। तुम संत से झूठ नहीं बोल सकते, ये कर्मों के लिए अच्छा नहीं। तुमने झूठ बोला, तुम्हें उसकी सजा मिल रही है। मगर मैं क्यों लपेट में आ गया? गुरु जी देखिए,
अपने सारे बच्चों को ढूंढ लिया। तुम लोग कहां क्यों खड़े हो? चांद निकल आया अब हमारे पास। हम बहुत हुआ, तुम क्यों हमेशा मेरे रास्ते में आ जाते हो? तुम अमर हो, अब समय आ गया है कि इसे साबित करो। कई लोग बहुत कुछ बोलते हैं, चाहो तो आज मुझे आजमा लो। वो कहाँ गया?
बड़ी बात नहीं, आज बस अच्छे से सोया नहीं था। शाबाश लियो। हाँ। ये लो, खो दिया था इसे। ओ नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लियो, अपना ख्याल रखना। यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें ही तो बचा रहा हूँ मैं, निकलो यहाँ से। लेकिन जाओ। कोई भी नहीं, ऐसा हर बार होता है। पर कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मंकी किंग, क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। उसके दांत साफ करने के लिए जा रहे हो क्या?
Monkey King.